अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके वीडियोस और न्यूज अपडेट सबसे पहले। संसद के अंदर नागरिकता कानून को लेकर पक्ष और विपक्ष में जमकर बहसबाजी हुई थी, जहां सत्ता पक्ष ने इस बिल को देश के हित में बताया तो वहीं विपक्ष ने मुस्लिमों का मुद्दा उठाकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए मुस्लिमों को लेकर किस तरीके से बीजेपी की इस महिला सांसद ने दमदार भाषण दिया। ये जो बिल है ये सदन में जल्दी जल्दी पास होना चाहिए, क्योंकि हजार हजार लोग जो है, जो शरणार्थी है, जो इस्लामिक राष्ट्र से आए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो अफगानिस्तान से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, जिसको मारा, जिसको जो पीड़ित हुआ यहाँ पर आए हैं, ये बिल इसके लिए पूरा के पूरा लाइफ लाइन है। तो इसलिए ये बिल जल्दी जल्दी पास होना चाहिए। और हमारा जो नेहरू जी ने ये देश को विभाजन किया था, लेकिन मैं इस डिबेट के लिए मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मेरा बंगाल में सबसे बड़ा हिस्सा एक धर्म ने जल्दी जल्दी रातों रात बंगाल से छीन लिया था। ये बहुत दुख की बात है। श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी अगर नहीं होता तो हमारा पश्चिम बंगाल नहीं होता, हिंदू बंगालियों के लिए पश्चिम बंगाल नहीं होता। ये पश्चिम बंगाल का सरकार हिंदू शरणार्थी को स्वागत नहीं करता है, वो रोहिंग्या को स्वागत करता है। पूरा के पूरा रोहिंग्या को जमीन दिया, पूरा के पूरा रोहिंग्या को घर दिया, वोटर आईडी कार्ड भी बना दिया। पूरा पश्चिम बंगाल में 70 लाख घुसपैठिया वोटर्स है, 120 सीट घुसपैठिया का पूरा के पूरा कब्जा में है सर। और अभी अभी जो सांसद बोल रहे थे, हमारा इंडिया, तुम्हारा इंडिया, मेरा इंडिया, तुम्हारा इंडिया, तो उनका इंडिया हमारे इंडिया को दो बार वोट देके ये मोदी सरकार को बनाया, नेक्स्ट टाइम भी बनाएगा, उसका बाद भी बनाएगा। उनारा बोलछेन जे एंटी बांगाली बेंगली अबांगालीदेर मध्ये ओरा झगड़ा लागिए दिच्छे। এই সাংসদকে বলা হচ্ছে সিএবি বিল বলতে, ও বল রহে হ্যায় এনআরসি কে লিয়ে বল রহে হ্যায়, ও এনআরসি কা বাত কর রহে হ্যায়, লেকিন ইয়ে সদন মে সিএবি কা চর্চা হো রহা হ্যায়। জব ইয়ে এনআরসি কা বিল কে বারে মে জো ঘুসপেটিয়া কে বল রহে হ্যায়, তাই মে ভি বোলনা চাহতি হু, ইয়ে ঘুসপেটিয়া কে লিয়ে হামারে পশ্চিম বঙ্গাল মে ওমেন ট্রাফিকিং মে এক নম্বর হ্যায়, কাউ স্মাগলিং মে এক নম্বর হ্যায়, মালদা মে জো ঘটনা ঘটি হ্যায়, জো হায়দ্রাবাদ মে জায়সা মালদা মে ঘটনা ঘটি হ্যায়, ওসকা জো দোষী হ্যায় ও ঘুসপেটিয়া হ্যায়, বর্ডার সে ভাগ গিয়া হ্যায়। অভি 3 সাল কা ভি রেপ হোতা হ্যায়, 65 উমস কা জো নান হ্যায় উনকা ভি উধার রেপ হোতা হ্যায়, লেকিন ঘুসপেটিয়া বর্ডার সে ভাগ জাতা হ্যায়। অভি ঘুসপেটিয়া কা বাত করে সাংসদ নে এনআরসি কা বাত করেগা তো কালিয়াচক থানা পুরা কে পুরা ঘুসপেটিয়া নে আপনা রেকর্ড, ক্রিমিনাল রেকর্ড খতম করনে কে লিয়ে পুরা থানা কোই জ্বালা দিয়া। অভি অভি মালদা জিধর আফিন কা খেতি হ্যায় ও মালদা মে ইন্ডিয়া কা আফগানিস্তান হ্যায়। इसलिए ये एनआरसी का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग सीएबी का चर्चा कर रहे हैं इस ये सदन में। अभी सब लोग बोल रहे हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों का है कि ये बिल में क्यों मुस्लिम नाम ये बिल में क्यों नहीं है। किसी ने कुछ भी पूछा है? एक शरणार्थी को जाके किसी ने पूछा है कि आप लोग कहां से आए हैं? वो लोग बोलेगा हम लोग इस्लामिक राष्ट्र से आए हैं, जिधर पर वो माइनॉरिटी है। उसको किसी ने पूछा है आपके ऊपर आक्रमण कौन सा धर्म ने किया है? उस जिधर में माइनॉरिटी वो लोग माइनॉरिटी है, उधर में जो मेजॉरिटी है उन लोग उसका ऊपर धर्म ने आक्रमण किया है। अभी ये बिल के बारे में बोल रहे हैं, सबाई बोले जे केव को एखने बोले जे भारत हिंदू राष्ट्र नय, किंतु जखन কোন শরণার্থীকে যখন কোন ইসলামিক রাষ্ট্রে মারা হয় তখন ফার্স্ট তার মনে পড়ে ভারতের কথা, কিন্তু ভারতই এক রাষ্ট্র হ্যায় জো ইয়ে শরণার্থীকে বাঁচায়েগা, ইসলিয়ে উসকা মন মে হ্যায় ভারতই একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র হোগা। অভি গৃহমন্ত্রী নে জো বিল লে আয়া হ্যায় ও শরণার্থীকে লিয়ে নয়া জীবন দেগা, ও শরণার্থীকে সম্মান দেগা।
अभी जो मेजॉरिटी वाला जो इस्लामिक राष्ट्र है उससे बचाने के लिए, हिंदू शरणार्थी को बचाने के लिए ये बिल ले लिया है, इसलिए उनका नाम इधर नहीं है, मुस्लिम का नाम इधर नहीं है, इसलिए उस जो शरणार्थी है उनको बचाने के लिए। तो ये मैं बोलती हूँ, जो पश्चिम बंगाल में सब हिंदू, सब बौद्ध, सब क्रिश्चियन, सब पारसी, सब सिख, सब लोगों को, मतुआ जो लोग है, सब लोगों को नागरिकत्व तो मिलेगा, ये तो बहुत खुशी का बात है। लेकिन वो जो बोल रहे थे, वो सांसद ने जो बोल रहा था, उनका बार बार एनआरसी का ट्रैप माथा में आ गया, क्योंकि अभी जो होगा, जो एक एक करके चुन चुन के जो अनुप्रवेशकारी है, जो घुसपैठिया है, इधर से पूरा के पूरा बाहर चला जाएगा। ये घुसपैठिया का सरकार पश्चिम बंगाल में है, वो चाहता है घुसपैठिया का देश बनाने के लिए, घुसपैठिया का देश बनाने के लिए, क्योंकि इसका वोट बैंक पॉलिटिक्स है, इसलिए ये रो रहा है, इसलिए ये सीएबी का अपोज कर रहा है। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए न्यूज टाइम्स 24 को।